बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें बदरी हैं, 400 सीटों की जरूरत, तो संविधान बदलने की जरूरत बदलने के लिए अमीर घरों के जो बच्चे होते हैं ना उनकी होती है, हमारी तो पीड़ा है। बार जो कि ऑटो रिक्शा में प्रचार करने के लिए तैयार हो चुके हैं और इनकी जो गाड़ियां थी वो भी इन प्रशासन ने खोज ली, ऐसा उम्मीदवार आज तक आपने ना मिला। सुमित भाई जो हमने दिखाई एक बड़े जुझारू गौ भक्त भी थे। अच्छा भाई साहब, अब इसे में प्रचार करोगे पूरा? नहीं देखो, हमारे साथी हर प्रकार से, अब रिक्शा है तो रिक्शा है, जो भी संसाधन हमें मिलेंगे उसी प्रकार से हम प्रचार करेंगे। अब रिक्शा वाला भाई है, इसका भी हमने कहीं ना कहीं सहयोग मिल गया। अब यहाँ पर अगर ये स्टिकर लगा दो ना, मैं आपको कोड ऑफ कंडक्ट के नियम बताता हूँ, ये लगा दिया तो उसी गाड़ी के ऊपर स्टिकर लगा होना चाहिए कहाँ से कितनी, मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी में परमिशन ली है। अगर एक हल्के के लिए है तो एक का, और पूरी सोनीपत के लिए है तो सोनीपत के आर ओ के, मतलब है आपको जितनी पार्टियों के गाड़ियां घूमती दिखे ना, और एक लाइन में कोड ऑफ कंडक्ट के तहत 10 गाड़ियां मिलती नहीं चाहिए, लेकिन 50-100 चल रहे तो करवाए देखिए आपने ना। अरे मामले चलावा रिक्शा और के करा भी दो, यानी कि आप लोग कहते हो कि कानून सिर्फ गरीब पे लागू है, कानून सिर्फ और सिर्फ शोषित वर्ग पर, शोषण करने वालों पर नहीं, शोषित वर्ग पर लागू है। शोषण करने वालों पर कोई भी कानून किसी प्रकार से भी लागू नहीं है। पिछले 5 सालों से मैं लगातार आंदोलनों से निकला हुआ युवक था और जो कोड ऑफ कंडक्ट के नियम थे जो आरओ साहब, डीआरओ, एआरओ, डीओ जो हमें बता रहे थे भाई इसमें आचार संहिता में आपको गाड़ियों की परमिशन लेनी होगी, तो हमने उनके सामने ये बात रखी थी, अगर जी आज तमाम पार्टियों की गाड़ियां घूम रही है और बहुत सारी पार्टियों के पास परमिशन नहीं है जी। तो अगर वो परमिशन नहीं लेंगे तो हम मिल लेंगे, क्योंकि हम आंदोलन करने वाले व्यक्ति हैं और न्याय के लिए लड़ाई लड़ने वाले हैं। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरी गाड़ी को इम्पाउंड कर दिया जी। बोले भाई तू बहुत बोल रहा है, मैं बोला भाई आवाज तो ये निडर है, निर्भीक है, भगत सिंह की विचारधारा को मानने वाले हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों पर चलने वाले युवा है, ऐसे डरने वाले नहीं है, लेकिन हम तो उस लोकतंत्र के जो रक्षक बने हुए हैं उनसे पूछना चाहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट में क्या बोला आजाद उम्मीदवारों पर ही ये नियम लागू होते हैं जी, जो फॉर्मेलिटीज और पार्टियों ने पूरी नहीं कर रखी, क्या उन पार्टियों पर कोई रूल नियम लागू नहीं होते हैं? केवल मेरी गाड़ी गाड़ी को इंपाउंड किया जाएगा। अगर इंपाउंड करने की बात आई, मैंने उस टाइम पे जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट रात्रि का समय था, गुवाना मुहाना थाने की बात है, परसों की बात है, परसों की आप उससे एक दिन पहले की, तो मैंने उनसे एक ही बात कही थी, सर आप अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से कीजिए, अगर मैंने गाड़ी की परमिशन नहीं ले रखी तो इसको इंपाउंड कर दीजिए, लेकिन भेदभाव मत कीजिए, क्योंकि लोगों की आस्था संविधान में है, लोकतंत्र में है, हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। संविधान की बात करी सर, सुनने में आया है कि बीजेपी सरकार में संविधान खतरे में है, आने वाला समय में मोदी जी ऐसे ऐसा कुछ करने वाले है कि वोटिंग की और ये ऐसा कुछ ना हो, तो उसको लेके क्या कहोगे आप? देखिए जिस प्रकार से उनकी शब्दावली है अगर बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें बदरी हैं, 400 सीटों की जरूरत, तो संविधान बदलने की जरूरत पड़े, बदलने के लिए की जा रही है जी। वो चाहते एक प्रकार से तानाशाह, जैसे रशिया में लगातार 5 बार चुन लिया, चाइना में चुन लिया, उत्तर कोरिया में चुना जा रहा है, यहाँ लोकतंत्र जो लोगों द्वारा तंत्र चलाया जाता है, मतलब लोगों की भागीदारी होती है, ये भाई जिसको वोट देंगे और इनमें से कोई भी उठकर आज जो रंक है वो राजा बन सकता है, जो राजा रंक बन सकता है, उस लोकतंत्र का गला घोटने का काम करना चाहते हैं। वो इलेक्शन कमीशन वाराणसी के अंदर हमारे गो भक्तों की फार्म नॉमिनेशन बगैर किसी फॉर्मेलिटी का रद्द किए जा रहे हैं, मतलब इतना हमने पहले कभी भी देखने को नहीं मिला जिस प्रकार से इस बार देखने को मिला। मतलब चुनाव इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होती है पारदर्शिता तरीके से चुनाव को करवाना, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है? मैं तो आपसे ही पूछ रहा, मेरी बहन जब हमारी गाड़ी इंपाउंड हो रही है, हमारे गो भक्तों के नॉमिनेशन को रद्द किया जा रहा है, उनको यहाँ तक मिलने तक नहीं दिया जा रहा, उनके सवालों के जवाब तक नहीं दिया जा रहे, तो कहाँ है लोकतंत्र? तो आपके मतलब मैन क्या क्या डिमांड है जो इस डिमांडों को लेकर आपने मैदान में उतरना पड़ा और आप स्टडी के जरिए आप ये प्रचार? डिमांड तो अमीर घरों के जो बच्चे होते हैं उनकी होती है, हमारी तो पीड़ा है जी। हमने पिछले 5 सालों से जो लगातार समाज के बीच में संघर्ष किया जी। और उस संघर्ष का समाधान हमें लड़ा सड़क की बजाय संसद से उचित होगा, क्योंकि अगर यहीं पर मेरे को ब्रेक करवाना है, मेरी विचार में लग रहा मेरी बहनों को यहाँ पहले भी एक लड़के का एक्सीडेंट से मौत हो गई थी, वो मेरा एक निजी विचार हो सकता है, एक व्यक्ति का विचार है, जब तक यही बात सरकार के नजरिए से नहीं उसके मद्देनजर रखी जाएगी, सरकार के नजरिए में निर्दलीय लड़ रहे हो? जी मैं निर्दलीय लड़ूंगा। अब इन पार्टियां कंपनियां, पहली बात तो पार्टियां है नहीं जी। और कंपनियों से कभी भगत सिंह की तालमेल लिखा, चौधरी छोटूराम का नहीं खाया, तो हमारा कैसे खाएगा? तो मेरी बहन इतना है, हम तो अपनी पीड़ा को उस संसद तक, क्योंकि हमारे बीच का व्यक्ति जब तक नहीं जाएगा ना, उससे बेहतर संस्कार, जैसे चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री होते थे और जब खाली समय मिलता था वो एक बात कहते थे, आज भी जब खाली समय में जाता हूँ तो मेरे को घर पे वो झुग्गी झोपड़ी, वो खेत खलिहान, वो घर पे बंधी हुए महेश, वो खुले
आंगन में खेलती हुई गाय का बछड़ा दिखाई देता है वो उसी व्यक्ति को दिखाएगा। ये अमीर घर के लोग तो पिज्जा बर्गर मॉल और अपनी आयासी दिखाई देगी। जी आपका शुक्रिया। गो भगत सुमित लाठर। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुमित लाठर जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और ऑटो में बैठकर प्रचार करते हुए दिखाई दिए। यूनिवर्सिटी के बाहर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए और पढ़े लिखे युवाओं के लिए रोजगार की हक की बात की है। हम मिलते किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।